going to start your supplementary reader in standard 8. तो आपकी फर्स्ट लेसन फिनिश हो गया था. हम देखने वाले हैं कंपेरिजन चेक. तो फर्स्ट कंपेरिजन चेक ऑन पेज नंबर 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, what does do you think were assigned to the dog and the ox? आंसर क्या है, the dog was assigned the task of fetching and carrying, the ox was made to plow the fields. आपको पता है कि जो हम खेतर खेलने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्लाव का यूज़ करते हैं, वो हम ऑक्स की मदद से करते हैं. तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कैमल रिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. जो कैमल था वो क्यों डेजर्ट की मिडल में रहना पसंद करता था, क्योंकि उसको काम करने का पसंद नहीं था. आंसर क्या आएगा, द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क. आपको समझ में आ गया. अब उसका थर्ड क्वेश्चन है, How made the dog, the horse and the ox very angry? तो आंसर क्या है, जो डॉग ऑक्स एंड हॉर्स जो था वो क्यों एंग्री हो गए थे, क्योंकि मैंने उनका साथ नहीं दिया बल्कि उनको डबल काम करने के लिए बोला था. तो उसका आंसर क्या आएगा, द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेर एंग्री बिकॉज मैन देयर मास्टर टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स इन आइडलनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डीसी नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल. आंसर क्या आएगा, द डीसी वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट. जो डीसी था वो कौन था, मास्टर ऑफ डेजर्ट. तो क्या आएगा, द डीसी वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट, सो ही वॉज एबल टू नो इजीली हु द एनिमल विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स वॉज. अब हम नेक्स्ट कंपेरिजन चेक, अभी कंपेरिजन चेक 2 ऑन पेज नंबर 5. फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल. जो कैमल था उनको उनकी रिफ्लेक्शन बहुत पसंद थी, क्यों. तो इससे हमें क्या बोल सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल. परहैप्स ही कंसिडर हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग. जो कैमल था वो क्या ऐसा बोलता था कि उनको ऐसा लगता था कि मैं एक हैंडसम हूँ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल से हम्स रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम. जो कैमल था वो बार बार हम बोले जा रहा था, तो उसकी असर उनको ये क्या अफेक्ट हुई. तो आंसर है, द वर्ड हम एनोइड द डीजी, ही टर्नड हम इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक. जो डीजी ने ये सुना हम्प, तो डीजी ने क्या कर दिया, उनके हम्प की वो हम बोल रहा था, तो डीजी ने उनके बॉडी पर हम्प एक कर दिया, उनके बैक साइड क्या कर दिया, हम्प मीन्स जो कैमल में घूम रहता है वो. अब है थर्ड क्वेश्चन क्या है, What according to the disease was the use of the hump? So answer is, the camel's hump contain it helped the desert animal go without any food for 3 days. क्या यूज होता था हम कैमल को, तो वो विदाउट फूड के वो 3 days काम कर सकता था. अब फोर्थ क्वेश्चन है, जो आगे का सेंटेंस वो कंटिन्यू है, ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल. जो राइटर था उनका ओपिनियन क्या था, तो आंसर है, द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैमल हैज नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट टू दिस
दिस, तो जो कैमल होता है वो उनकी हैबिट को कभी चेंज नहीं करता है। तो आपका लेसन एंड कंपेरिजन टेक यहाँ पर फिनिश होती है। और आपकी जो आपका जो एक्सरसाइज है वो इसमें क्या करना है, आपको ग्रुप में बैठ कर ही करना है, तो वो आप खुद देख लेना। तो आई होप कि आपको इस स्टोरी एंड कंपेरिजन चेक में चेक समझ में आ गई है।